हेलो, यदि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां आपको प्रतिदिन फ्री लाइव क्लासेस कराया जाता है, साथ ही प्रत्येक संडे को टेस्ट लिया जाता है। परीक्षा के 2 महीने पहले से अनसॉल्व बोर्ड पेपर हल कराया जाएगा। आप समय से तैयार रहे। वेलकम स्टूडेंट, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी से चलाया जा रहा है, प्रथम प्रश्न पत्र चल रहा है, ठीक है। तो अध्याय 12, तो क्या है ये अध्याय 12, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो चल रहा है, इसका ये भाग नंबर 3 है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोग पढ़ने वाले हैं वो आ जाएं। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, ठीक है। तो टाइमिंग क्या है आपको बता दिया जाए, जो बच्चे नहीं जानते उनको हमेशा बताना पड़ता है। तो शाम को 7 से 8 के बीच में एकदम आपको लाइव क्लासेस कराई जाती हैं फिजिक्स के, ठीक है, जो कि मंडे और थर्सडे तक कराया जाता है। बाकी 2 दिन की क्लासेस स्पेशल क्लासेस चलाई जाती है इंग्लिश और हिंदी के, ठीक है। तो आइए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको टाइम टेबल तो पता हो गया होगा। चलिए, तो टॉपिक क्या है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्लियर है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है, सामान्यतः वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य बढ़ते, ठीक है, बढ़ते क्रम में या आवृत्ति के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया, चलिए नहीं समझ में आया हम एक बार फिर से क्लियर करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बिल्कुल डिस्कस करेंगे अच्छे से, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि सामान्यतः वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है, कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, तरंग दैर्ध्य के किसके बढ़ते क्रम में, या जब तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तब, या तो आवृत्ति के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। देखिए, यहां तरंग दैर्ध्य की बात होगी तो उसको बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे, ठीक है, और आवृत्ति की बात होगी तो उसे घटते हुए क्रम में, बस इतना समझिए, बढ़ते और घटते, तरंग दैर्ध्य से करेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे, और आवृत्ति से करेंगे तो घटते हुए क्रम में करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो यही करने की जो प्रक्रिया है, क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाती है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए तो आगे चलते हैं, देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको मिस मत करिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, उसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो इसमें समझिए, स्पेक्ट्रम का अधिक से अधिक भाग, जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसका अधिक से अधिक भाग अदृश्य होता है। अब आपको यह समझना है, अदृश्य होने का मतलब क्या होता है, तो इस भाग को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम का अधिक से अधिक भाग क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, इस भाग को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक, नहीं दिखाई देगा, अदृश्य स्पेक्ट्रम, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, और केवल बहुत सूक्ष्म भाग ही, जो केवल बहुत सूक्ष्म भाग ही दृश्य होता है, मतलब दिखाई देता है, स्पेक्ट्रम के इस भाग को क्या कहते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम, ठीक, जो नहीं दिखाई देता है उसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, और केवल बहुत सूक्ष्म भाग ही दृश्य होता है, मतलब छोटा सा भाग जो थोड़ा सा होता है वही दिखाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्लियर है। चलिए तो आगे चलिए, इस भाग को क्या कहेंगे, इस भाग को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो पता हो गया। आगे देखिए क्या है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगे मानव नेत्र को प्रभावित करती है, जो देखने वाली स्पेक्ट्रम होती है, देखने के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगे जो होती हैं, वह मानव नेत्र को प्रभावित कर देती हैं, ठीक है, जबकि अदृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगे, जो अदृश्य जिससे दिखाई नहीं देता है, वह क्या है, वह मानव नेत्र को प्रभावित नहीं करती हैं,
समझ में आ गया? हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, दृश्य वर्ण क्रम तालिका, ये हमने एक सारणी बना के आपको दिखाया है, समझाया है, इसके आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में हमने आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये वर्ण है कौन कौन से है, बैगनी है, नीला है, पीला है, हरा है, नारंगी है, लाल है, ठीक है। तो ये सब क्या है, वर्ण है। और ये क्या है, तरंग दैर्ध्य मीटर में है, जो कि बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक। चलिए तो हम इनको भी क्लियर करते हुए चलते हैं। तो देखिए क्या है, जो बैगनी होता है, जो वर्ण बैगनी होता है, उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, मीटर में सब है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या है, 3.9 × 10⁻⁷ से लेकर 4.5 × 10⁻⁷ तक होता है, किसका, बैगनी का, ठीक। आगे देखिए, जो वर्ड में जो नीला वर्ड है उसका कितना होता है, तरंग दैर्ध्य कितना होता है उसका, 4.5 × 10⁻⁷ होता है, ठीक। 4.5 × 10⁻⁷ से लेकर 5 × 10⁻⁷ तक होता है, ये सब बढ़ते हुए क्रम में एकदम दिखाया गया है। तो इसको समझिए, जो हरा है, ठीक, जो हरा वर्ण होता है वो क्या होता है, 5., अब देखिए इसका इससे अधिक होगा, 5 × 10⁻⁷ से लेकर 5.7 × 10⁻⁷ तक होता है, ठीक है। आगे पीला वर्ण जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 5.7 × 10⁻⁷ से लेकर 5.9 × 10⁻⁷ तक होता है। आगे आपका आता है नारंगी, जो नारंगी वर्ण होता है इसका कितना होता है, 5.9 × 10⁻⁷ से लेकर 6.2 × 10⁻⁷ तक होता है। अब आपका आता है लास्ट, जो कि लाल वर्ण होता है, ठीक है, इसका कितना होता है, इसका सबसे अधिक होता है, ठीक। जो लाल वर्ण होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 6.2 × 10⁻², से लेकर 7.8 × 10⁻⁷ तक होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यूज कब होगी, जब हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे, तो आपको जब बोला जाएगा कि परा बैगनी 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 की तरंग दैर्ध्य इतना है, तो आपको बताया नहीं रहेगा वहां पे, हम उसमें दिया रहेगा तो क्लियर कर देंगे, नहीं दिया रहेगा तो हम आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करिएगा, देखिए सवाल सारा इसी से रिलेटेड होगा, ठीक, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति तथा उपयोग के विषय में मूल तथ्य, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको बहुत ही अच्छे समझिएगा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट ओरिजिन्स एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो विभिन्न परास वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनेक अभिलक्षणों के आधार पर उपयोग में लाई जाती हैं। तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन सी लक्षणों में लाई जाती हैं, उसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं हम, ठीक। चलिए ध्यान देखिए, तो आपको इतना दिया गया है, ठीक है। क्या है, पहले कौन सा तरंग है, रेडियो तरंगे। अब रेडियो तरंगे क्या होता है इसको हम बताएंगे अच्छे से, ठीक है। दूसरा होता है सूक्ष्म तरंगे या लघु रेडियो तरंगे। तीसरा क्या है अवरक्त तरंगे, अवरक्त किरणे, ठीक है। चौथा क्या है, दृश्य प्रकाश, समझ में आ रहा है। चौथा है पराबैंगनी तरंगे, ठीक। अगला क्या है, एक्स किरणे, कौन सा अगला, एक्स किरणे, ठीक है। जो लास्ट है सातवां नंबर, ये क्या है, गामा किरणे, ठीक है। तो ये जो सारी किरणे हैं इनके बारे में हम एकदम बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि इनका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, इससे सवाल कैसे आते हैं, इसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हम बिल्कुल डिटेल से बताएंगे, फिलहाल इन सब के बारे में बात करने से पहले आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इन दोनों टॉपिक पे बात करेंगे, जो रेडियो तरंगे हैं इसके बात करेंगे, ठीक। और दूसरा क्या है, सूक्ष्म तरंगे या लघु रेडियो तरंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इन दोनों टॉपिक पे बात करेंगे,
अगले वीडियो में हम आपको ये 3 से लेकर 7 तक के जितने किरणें हैं इनको बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले लेते हैं, ये जो पहला है क्या, रेडियो तरंगे। इसको समझते हैं कि रेडियो तरंगे होती क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, ठीक। उसके बाद सूक्ष्म तरंगे को समझेंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको यहाँ से यहाँ तक बताएंगे पूरा, ठीक है। एक साथ बता दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक, इसलिए हम इसको बारी बारी से सब बताएंगे, तब तक के लिए वेट करिएगा। चलिए फिलहाल हम दोनों टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए देखते हैं रेडियो तरंगे क्या होती हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में रेडियो वेव्स कहते हैं, वेव्स मतलब होते हैं तरंगे, ठीक है। तो चलिए, रेडियो तरंगे की खोज मार्कोनी ने सन 1895 में की थी। ये मार्कोनी कौन था? मार्कोनी एक महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिसने रेडियो तरंगे की खोज किया था, और कब किया था? 1895 में किया था, ठीक है। आगे देखिए, इनका आवृत्ति परास, ठीक है, किसका, इस रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति परास होता है वो कितना होता है? 500 किलो हर्ट्ज से, ठीक है, 100 मेगा हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए कि कितना इसका आवृत्ति परास होता है, 500 किलो हर्ट्ज से 100 मेगा हर्ट्ज तक होता है। ये तरंगे 2 लीटर वैद्युत परिपथों यानी LC में तीव्रता, ठीक है, में परिवर्तित होने वाली वैद्युत धारा के कारण होता है। किसके कारण होता है? जो परिवर्तित होने वाली वैद्युत धारा होती है उसी के कारण होता है, ठीक है। तो देखिए, रेडियो तरंगे के बारे में हम समझ चुके हैं, अब उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि उसका उपयोग कहाँ होता है और कैसे होता है, ठीक। इन तरंगों का उपयोग रेडियो तथा टीवी, ठीक है, रेडियो तथा टीवी के संचारण में और पुलिस रेडियो प्रसारण में कराया जाता है, ठीक है। तो जो रेडियो तरंगे होती हैं वो कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती हैं? जो रेडियो होती हैं, आप रेडियो सुने होंगे, देखे होंगे, आप तो रेडियो का सिस्टम बंद हो गया, लेकिन रेडियो में ही इन तरंगों का उपयोग होता है, और टीवी, ठीक है, जो टीवी आप लोग देखते हैं उसमें किन तरंगों का प्रयोग होता है? रेडियो तरंगों का, ठीक है, उनके प्रसारण में। और एक चीज आप देखते होंगे कि जो पुलिस लोग होते हैं वो लिए होते हैं जो रेडियो अपने हाथ में, ठीक है, वो उसमें कौन से तरंगों का उपयोग होता है? इस रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है उनके प्रसारण में, ठीक है। और क्या है? दूरदर्शन तरंगों की परास, जो दूरदर्शन पर तरंग होता है उसका प्रकाश परास कितना होता है? तो उनका कितना होता है परास होता है उनका 54 मेगा हर्ट्ज से 890 मेगा हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। आगे चलिए देखिए, आगे क्या है उसको क्लियर करते हैं हम आज पूरा इस टॉपिक को। तो आवृत्ति मॉड्यूलित FM बैंड, ठीक है, 800 मेगा हर्ट्ज से 108 मेगा हर्ट्ज तक फैला होता है। कितना फैला होता है? इतना फैला होता है, किसका? आवृत्ति मॉड्यूलित जो FM होता है उसका बैंड, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए जो कि बहुत ही यूजर्स चीज है आपके, आप लोग बहुत मोबाइल यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी जान लीजिए कि जो सेलुलर फोन होता है, ठीक है, जो सेलुलर फोन में अति उच्च आवृत्ति बैंड ध्वनि, ठीक है, अति उच्च आवृत्ति का एक बैंड लगा होता है, ठीक है, जो ध्वनि भेजने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो मोबाइल वगैरह फोन होता है उसमें क्या होता है? अति उच्च आवृत्ति का बैंड लगा होता है जो ध्वनि को भेजने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो ये रेडियो तरंगे हैं इनका उपयोग उसमें किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो अगली तरफ चलते हैं, अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। तो जो आपका था अभी हमने बताया, पहला था रेडियो तरंगे, अब दूसरा क्या है? सूक्ष्म तरंगे या लघु रेडियो तरंगे, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोवेव और शॉर्ट रेडियो वेव, ठीक है। इन तरंगों की खोज सन 1888 में हर्ट्ज ने की थी। अब देखिए, हर्ट्ज ने एक वैज्ञानिक नाम है, हर्ट्ज ने की थी। इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक होती है, ठीक है, कितना होता है? 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक होती है, ठीक है। नलिकाओं में दोलियामान, ठीक, जो दोलियामान होता है आवेशों के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, जो आवेश होता है उसी के कारण उत्पन्न होता है। सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? मेगा हर्ट्ज या कोटि का होता है, मेगा हर्ट्ज या कोटि का होता है, किसका?
तरंगों का आवृत्ति, सूक्ष्म जो बहुत ही छोटे होते हैं उनकी तरंगों की आवृत्ति मेगाहर्ट्ज़ या कोटि में होता है या कोटि का होता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा, सूक्ष्म तरंगे या लघु रेडियो तरंगे। ठीक है, अब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं, इसका यूजेस क्या है, इसमें देखिए उपयोग। ठीक है, पहला है कम तरंग दैर्ध्य के कारण, ये जो तरंग दैर्ध्य है इनका, तरंग जो कम होता है इनके कम होने के कारण ही, ठीक है, कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण एयरक्राफ्ट संचालन, एयरक्राफ्ट मतलब जो वायुयान होता है, जो जहाज वगैरह होता है, जो उसी में इसको बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट संचालन में उपयोगी आवश्यक रडार निकाय के, रडार निकाय में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, एयरक्राफ्ट संचालन में उपयोगी आवश्यक जो रडार निकाय में उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा क्या है इसको समझ लीजिए, इनका घरेलू उपयोग, अब इनको घर में कैसे उपयोग करते हैं, तो इनका घरेलू उपयोग सूक्ष्म तरंग भट्ठी में किया जाता है। किसका, जो सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंगे या लघु रेडियो तरंगे होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, घरेलू, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हमने जो ये तरंगे हैं दो प्रकार की, जैसे कि अभी हमने ये रेडियो तरंगे बताया और सूक्ष्म तरंगे बताया, और इसके बाद अभी पांच तरंगे बाकी रह गया है, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करके इस चैप्टर को हम क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे और आपको हर न्यूमेरिकल बिल्कुल एनसीईआरटी से मिलेंगे, इस बात से आप एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आया, लाइक अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए तो थैंक्स।